तो इंडियन नेवी का ग्रुप बी और ग्रुप सी का वैकेंसी निकल चुका है, आपको मैंने वीडियो बना के दे दिया है। वहां पर फायरमैन और एमटीएस का पोस्ट काफी अट्रैक्टिव है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा वीडियो हम लाएंगे बेस्ट बुक के बारे में, फिर तीसरे में लाएंगे आपकी फायरमैन में, और जो दूसरा एक फायर इंजन ड्राइव का उसका क्या फिजिकल रहेगा और उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चौथा वीडियो आपके लिए आएगा कि आपकी ये जो सारे पोस्ट है इनकी क्या क्या काम डिटेल में समझेंगे इंडियन नेवी में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो भाई, वहां पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आपको देंगे। तो यहाँ पर मेनली आप देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों चीजें देखेंगे। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इनकी जो एग्जाम पैटर्न है वो अलग अलग है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी आप देख सकते हैं। पहले जो इनकी जो एग्जाम होगा वो दो लैंग्वेज में होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी तरफ से रहता है कि सर कौन सी लैंग्वेज में होगा, तो हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में होगा वहां पर, ठीक है। और उसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही आएगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश नहीं आएगा। पहला सब्जेक्ट चार सब्जेक्ट में हर एक जितने भी यहाँ पर ट्रेड्स निकले हैं ट्रेडमैन में, हर एक का जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 90 मिनट मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पासिंग मार्क्स के मैं अगर आपको बता दूं तो 40% 40 मार्क इसका पासिंग मार्क है, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर 60-70 से ऊपर जाएगा तो कट ऑफ काफी हाई जाएगा, 60 मार्क्स से ऊपर। 40 को लेके जाना नहीं, 40 से आपकी सिर्फ पास हो सकते हो लेकिन आपकी मेरिट लिस्ट में आना काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोस्ट आपको पता ही है कुछ 700 कुछ पोस्ट है ऑल इंडिया बेसिस पर, तो उस हिसाब से आपको पता होगा कंपटीशन कितना ज्यादा हाई है। पहले आपका जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 25 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 मार्क, और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क, 100 क्वेश्चन 100 मार्क, ठीक है। आप देखिए डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट सिलेबस इन्होंने यह क्या है, पहले देखिए चार्जमैन एमिनेशन वर्कशॉप, चार्जमैन फैक्ट्री, चार्जमैन मैकेनिक एंड साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी, यहाँ पर कौन सी पोस्ट है ये ग्रुप बी। ग्रुप सी में भी दो सिलेबस और है, मैं बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो ग्रुप बी में यहाँ पर सेम, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न तो सेम रहेगा, चार सब्जेक्ट में आपकी एग्जाम होगा, ग्रुप सी में भी होगा, लेकिन क्या है ग्रुप बी से ज्यादा ग्रुप सी में थोड़ा सा कम सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप ग्रुप बी में अप्लाई कर रहे हैं तो, आप यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को थोड़ा आगे करके ग्रुप सी का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस में आपके क्या क्या टॉपिक आएगा यहाँ पर लिखा है, देखिए इट आउट इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, कंपोनेंट में भी इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ एनालॉजीज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेक्टिकल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग और फिगरिकल, ये जो जितना भी है आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या फिर इसकी जो पीडीएफ है मैं डाल दूंगा कहाँ पर, स्पेशली आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो वहाँ पर डाल दूंगा। अगर मैं हर एक चीज़ पढ़ के सुनाऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जनरल इंटेलिजेंस का यहाँ पर कवर हो गया, फिर जनरल अवेयरनेस के लिए आपको ये सब पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू द टेस्ट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी, क्वेश्चन विल बी ऑल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स सच एज मैटर्स एवरी डे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे दे आर एक्सपेक्ट ओनली द एजुकेशन पर्सन, द टेस्ट विल बी इंक्लूड, यहाँ पर देखिए जीके और करेंट अफेयर्स के बारे में आपको पूछेगा, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिकल साइंस, जनरल पॉलिटिक्स, साइंटिफिक रिसर्च, और आपकी यहाँ पर जो करेंट अफेयर्स हो गया ये जनरल अवेयरनेस में आ जाएगा। क्वान्टिटी एप्टीट्यूड में आपको पता है मैथ्स आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल, इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर जितने टॉपिक्स है उसको सारे को कवर करना है, ये नहीं सोचना कि सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से सब है भाई, ऐसा कोई नहीं है जो आपको बता सकता है कि यही इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन आएगा ये छोड़ दो, अगर छोड़ दिया उससे क्वेश्चन आ गया आपसे नहीं बना फिर वो आपकी जवाबदारी रहेगा, बोलने वाले बोल के चले जाएंगे उनके कहीं कुछ नहीं जा रहा है, इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई पूरा पढ़ लेना, ठीक है, क्वेश्चन में रिस्क लेना नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर आपके आएगा क्या, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, आपको इंग्लिश समझ में आना चाहिए, हिज बेसिक कॉम्प्रेंसेशन आपको आना चाहिए, एंड राइटिंग एबिलिटी आपकी टेस्ट होगा, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में इतना ही टेस्ट होगा ग्रुप बी के लिए। अब आ जाते हैं फायरमैन एंड फायर इंजिन ड्राइवर, यहाँ ग्रुप सी के लिए इनका अलग से ही टेस्ट हो रहा है, मतलब होगा वही 100 मार्क का, लेकिन यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट कम कर दिया इनको ना, क्योंकि ये ग्रुप सी
इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी आपको कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ग्रुप बी में जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 55,000 और ग्रुप सी का जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 40-45,000 के आसपास होगा। ठीक है, 5-10,000 की यहाँ पर डिफरेंशिएशन रहेगा। ठीक है, अगर आप ग्रुप बी के लिए एलिजिबल है तो ग्रुप बी के साथ जाइए, लेकिन ग्रुप सी में आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं और पोस्ट भी काफी ज्यादा है। तो फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल इंटेलिजेंस में ये चीजें जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ये आपके होने वाला है जनरल इंटेलिजेंस की टेस्ट में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में सेम जैसे वहां था वैसे यहाँ भी ये सेम पढ़ना है आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहाँ पर देख सकते हैं, बाप रे बाप, इतना टॉपिक्स है आपको कवर करना है यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। ठीक है, ये हो गया आपकी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आते हैं क्वांटिटेटिव आपका हो गया, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या चीज बनना है। देखिए वहाँ पर अलग था, यहाँ पर अलग हो गया। अभी क्या अलग हो गया कि स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एंड डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, आइटम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, उसके बाद कन्वर्जेशन इंटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्पेंसेशन पैसेज, ये इंग्लिश से डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ग्रुप बी का जो बुक रहेगा ग्रुप सी का अलग रहेगा, हम डिफरेंट के लिए डिफरेंट बुक बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ग्रुप सी में जैसे फायरमैन और इंजन ड्राइवर के लिए जो भी बुक मैं बताऊंगा वो काम करेगा आपका एमटीएस के लिए भी, ट्रेसमैन, मेट, पेस्ट कंट्रोल, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मिनिस्ट्रियल, कुक और ड्राफ्ट्समैन के लिए भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप सी का फायर इंजन ड्राइवर और आपका फायर ड्राइवर बोल लीजिए, और दूसरा हो गया आपकी फायरमैन हो गया। ठीक है, आप आ जाते हैं कि ग्रुप सी का कुछ और पोस्ट है, जैसे कि ड्राफ्टमैन, कंस्ट्रक्शन का जो ड्राफ्टमैन होगा, ट्रेडमैन मेट में अगर आप अप्लाई करोगे, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, मल्टीटास्किंग स्टाफ या कुक में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी सिलेबस डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एक मैं आपको देना चाहूंगा इंपॉर्टेंट नॉलेज की भाई जो जो टॉपिक यहाँ पर बताया गया ना ये है ऑफिशियली पीडीएफ, इसमें जो जो टॉपिक्स बताया गया उसी टॉपिक्स को पढ़ना है, फालतू चीजें ये नहीं पढ़ना कि ये भी आ जाएगा ये पढ़ लेता हूँ, वो भी आ जाएगा वो पढ़ लेता हूँ, नहीं। दूसरा चीज, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, मतलब आपकी एग्जाम का डेट आ गया, अक्टूबर 12 तारीख को आपका एग्जाम है, तो अक्टूबर 1 तारीख मतलब 12-15 दिन पहले आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसको बंद कर दो। क्यों बंद करना है? क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो 12 दिन 15 दिन 1 महीना पहले बन जाता है आपके क्वेश्चन, ये नहीं कि आज ही बना कल आपको दे दिया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑफिशियल से वो अप्रूवल होता है, होके आपके पास आता है, इसको हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडीज। गधों की तरह स्टडी नहीं करना कि कल एग्जाम है आज भी करंट अफेयर्स देख के जा रहे हैं, सुबह भी न्यूज़पेपर कुछ पढ़ के जाते हैं जैसे पता नहीं कि अभी एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए अलग से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये होता है स्मार्ट स्टडीज। स्मार्ट स्टडीज को ऐसे करोगे तो आपको अच्छे नॉलेज, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस में आपके सामने है क्या क्या चीजें आएगा इसमें अगर आप इस चीजों में भर्ती दे रहे हो तो। जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर देखिए चेंज कर दिया, अभी यहाँ पर आपकी स्पोर्ट्स आएगा, हिस्ट्री आएगा, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटिक इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी जीके में, जनरल अवेयरनेस में आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखिए बहुत कम कर दे, मैं इसलिए बोल रहा था एमटीएस काफी अट्रैक्टिव है आपके लिए। तो इसमें आपके क्या क्या चीजें आएगा, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो ऑन टाइम एंड टाइम एंड वर्क, ये किसमें आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका आएगा। अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर आपका क्या क्या चीज आएगा, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस, हिज और हर राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्ट, आपकी जो राइटिंग एबिलिटी है वहां पर टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर दूसरा जो डी पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट यह दिया है कि जैसे अगर मान लीजिए आप एक ही मेरिट लिस्ट में दो बंदे आ जाते हैं, मतलब एक वैकेंसी पे दो बंदे आ जाते हैं, मतलब मान लीजिए मैं बताता हूँ टोटल 741 पोस्ट है, कोई भी मान लीजिए एमटीएस में 100 पोस्ट है और 100 पोस्ट में लास्ट में दो बंदे आ गए या फिर तीन बंदे आ गए तो इनमें से छांटा कैसे जाएगा एक बंदा, अगर सेम मार्क रखते हैं सभी ने 40-40-40 स्कोर किया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जिसका डेट ऑफ बर्थ सीनियर होगा, ये इस पॉइंट पर बोला है, पढ़ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ जिसका सीनियर है वो मेरिट लिस्ट में उसका नाम आएगा, या फिर डेट ऑफ बर्थ अगर सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आता है उसकी सीनियरिटी को माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा नाम मनोज है और आपका नाम संतोष है,
ये फिर आपका नाम अल्फा है मान लीजिए, ठीक है, तो अल्फाबेटिकल अगर शुरू करें पहला नाम आपका आएगा, ठीक है, तो अल्फा वाला सिलेक्ट हो जाएगा सेम मार्क्स में, अगर सेम डेट ऑफ बर्थ और सेम मार्क्स होता है तो। अगर आपका नाम वाई से यक है तो यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मेरा एम पहले आता है आपकी वाई से, तो इस हिसाब से वो एक्सेप्शनली केस है, ठीक है वहां पर। और इसी का कोई फिजिकल नहीं होता, सिर्फ फायर इंजन ड्राइवर का और दूसरा जो फायरमैन का फिजिकल होगा, बाकी किसी का फिजिकल नहीं होगा। ये सिविलियन पोस्ट है ट्रेड्समैन मेरिट की, बहुत अच्छा पोस्ट है दोस्तों, इसको अप्लाई करना चाहिए और क्रैक करना चाहिए, फोड़ना चाहिए आपको इस एग्जाम को, बहुत तगड़ा पोस्ट है, अग्निवीर से कहीं गुना ये अच्छा है, ठीक है। अगर आप चाहते हमारे मेंबरशिप भी ज्वाइन करें या फिर मेंटरशिप चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे टेलीग्राम आईडी है, वहां से हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ आपको समझना है तो मैं आपको चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद।